एकुलकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर काल मुरत अजीनी सह भंग गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनेंट का। आपको ये चीज इक्वल टू जीरो दी हुई है, आपको शो करना है दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, आइदर दिस और दिस। तो तुम लोगों ने क्या करना है, आप सबसे पहले आपने ये देखा, आपने ना करा आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये मेरा फेवरेट स्टेप होता, ज्यादातर सभी क्वेश्चन में यही लगता है, बाकी ये रट्टा नहीं है। ये तो देख के प्रैक्टिस से पता चल रहा कि अगर आप ऐसे करें तो पहले वाले एलिमेंट सारे यही आ रहे हैं। सो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर लिया, टू बी प्लस टू ए प्लस टू सी आ गया, टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आ गया, यहाँ पे भी टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आ गया, ये बाहर निकल गया, टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया वन वन वन, नीचे एज इट इज वैसे ही रह गया। अब अगला स्टेप क्या होगा जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगला स्टेप यहाँ तक करने के बाद आपका अगला स्टेप ऊपर की तरफ है, देखो इसका मतलब ये है आइदर आइदर ये चीज इज इक्वल टू जीरो और ये वाली चीज इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आइदर ये वाली चीज इज इक्वल टू जीरो मतलब भी पहला पार्ट तो हो गया, आपको प्रूफ करना था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वो तो प्रूफ हो गया। अब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी को प्रूफ करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करा, आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करा, टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आ गया, टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आ गया, टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आ गया, पहली रो से ये कॉमन निकल के बाहर फेंक दिया, ये रह गया। अभी आपको क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वल टू जीरो है, मतलब आइदर ये वाली चीज इज इक्वल टू जीरो और ये वाली चीज इज इक्वल टू जीरो। मैंने वो देखो स्टेप लिखा भी है, इधर ये चीज इज इक्वल टू जीरो और ये चीज इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से तो पहली चीज प्रूफ होगी जो मेरे को प्रूफ करनी थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करा जाएगा, कैसे सॉल्व करा जाएगा जरा ध्यान से देखना, इसको एक्सपेंड कर दे रो वन के साथ, वो मैंने इसके बेसिक्स बता दिए, यहाँ पे रो वन से एक्सपेंड करा, तो आपके लिए रो वन से ऐसे एक्सपेंड कर देना। एक्सपेंड करने के बाद कटिंग वटिंग करने के बाद, सारी कटिंग वटिंग करने के बाद सिर्फ आपके पास ये चीज बच रही है, ये चीज बचेगी, बचनी यही चाहिए, मींस आपने रो वन से एक्सपेंड करा तो ये चीज बची। आपने क्या करना है, दोनों साइड की हर आइटम को टू के साथ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई टू ऑन बोथ साइड, ये चीज बची है यहाँ पे, इसको भी टू के साथ और इस तरफ इसको भी टू के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू कर दिया। जब हमने दोनों साइड को टू से मल्टीप्लाई तो करा, मेरे माइनस टू से, टू से भी नहीं करना माइनस टू से करेंगे, याद रखिएगा हम दोनों साइड्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका कारण जरा ध्यान से देखना, माइनस टू से हमने मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे हो गया, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर और माइनस टू ए सी माइनस टू बी सी माइनस टू ए टू ए सी टू बी सी माइनस टू ए सी, ये बच गए इज इक्वल टू जीरो। अब मैं टू ए स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस टू ए सी माइनस टू बी सी माइनस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा मैं क्या करूँगा, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ध्यान से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी इकट्ठे कर दिया, फिर देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए सी इकट्ठे कर दिया, फिर उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इकट्ठा कर दिया, चीजें इकट्ठी कर दी। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या आपने कभी देखा कि किसी तीन चीजों के स्क्वायर को प्लस कर रहे हैं और प्लस करने से जीरो आएगा, नहीं, ये तभी संभव हो सकता अगर ये खुद जीरो होंगे, यानी ए माइनस बी जीरो होगा, ए माइनस सी जीरो होगा और बी माइनस सी जीरो होगा, तभी ये चीज संभव है, क्योंकि आपको पता है अगर कुछ और होगा तो हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस करके जीरो से तो बड़ा ही आएगा हमेशा, तो यानी ये तभी संभव है अगर ये चीज जीरो के इक्वल होगी, ये चीज इक्वल टू जीरो होगी, यहाँ से ए इज इक्वल टू बी आ गया, यहाँ से ए इज इक्वल टू सी आ गया, यहाँ से बी इज इक्वल टू सी आ गया। अब आप इन तीनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म।